विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, आधुनिक इतिहास में है। आज करना है हमने भारत में चुनाव 1945। एक चुनाव तो अभी होने वाले हैं, वो वाले नहीं, 1945 के चुनाव। और दूसरा हमने करना है शाही नौसेना विद्रोह 1946। ठीक है, तो भारत में जो 1945 में चुनाव हुए उसके लिए पहले पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की के चुनाव हारने के बाद, विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी ये हार गई, लेबर दल सत्ता में आया, यानी श्रमिक दल सत्ता में आया, और क्लेमेंट एटली, कौन, क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सर पैथिक लॉरेंस को भारत का सचिव नियुक्त किया, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन बने, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, यानी जब देश आजाद हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भाई, एटली, क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, भारत सचिव इन्होंने किसको बनाया, सर पैथिक लॉरेंस को बनाया। एटली ने अपनी पहली कार्यवाही के तहत भारत में आम चुनाव करवाया। दिसंबर 1945 में चुनाव परिणाम घोषित किए गए। केंद्रीय विधानमंडल, जिसको आज हम संसद बोलते हैं, उस तरह उस जमाने में केंद्रीय विधानमंडल बोल रहे हैं। केंद्रीय विधानमंडल की 102 सीटों में से लगभग 57 सीटों पर कांग्रेस सफल हुई। 102 में से 57 सीटों पर कांग्रेस सफल हुई। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को बंगाल, सिंध और पंजाब के अलावा शेष स्थानों पर बहुमत प्राप्त हुआ। मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत में कांग्रेस ने अपनी सरकारों का गठन किया। कहां पर नहीं मिला कांग्रेस को मैंडेट, कहां पर नहीं मिला, बंगाल में नहीं मिला। आपको पता है बंगाल में पहले से ही कृषक प्रजा पार्टी, सुना है। पंजाब में क्या थी, यूनियनिस्ट पार्टी। सिंध में नहीं मिला, बंगाल में नहीं मिला, पंजाब में नहीं मिला, शेष स्थानों पर बहुमत मिला कांग्रेस को। और कहां कहां पर अपनी सरकार बनाई, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, यहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकारों का गठन किया। मुस्लिम लीग को केवल बंगाल और सिंध में ही बहुमत मिला। कहां पर, बंगाल और सिंध में ही बहुमत मिला। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ रहे हैं हम शाही नौसेना विद्रोह 1946, रेटिंग्स विद्रोह। देश की आजादी में इस विद्रोह का बहुत बड़ा योगदान है, हालांकि इतिहास के पन्नों में कम जगह है इसके लिए, लेकिन मैं ये बता दूं कि ब्रिटिशर्स की समझ में आ गया था कि जिस रॉयल नेवी के दम पर उन्होंने इतने सारे उपनिवेश बनाए हैं, जिनके दम पर यह कहा जाता था कि पूरी धरती पर ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यानी किसी ना किसी उपनिवेश में दिन हो रहा होता था उनके, यानी ब्रिटेन में भले ही रात हो रही होती थी लेकिन किसी ना किसी उपनिवेश में क्या, दिन हो रहा होता था, ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उनकी समझ में आ गया कि भाई अब तो अपनी नौसेना में क्या हो गया, विद्रोह हो चुका है, अब यहां पर ज्यादा देर रहना क्या ठीक नहीं है। 46 में नौसैनिक विद्रोह हुआ और 47 में हम आजाद हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की घटनाओं ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों को भी प्रभावित किया। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान SMIS तलवार के गैर कमीशन अधिकारियों और सिपाहियों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, विद्रोह कर दिया। गैर कमीशन अधिकारी और सिपाही, इन्हें क्या कहा जाता था, रेटिंग्स कहा जाता था, इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण क्या था, खराब भोजन पहला क्या था, दूसरा जातीय भेदभाव, तीसरा कम वेतन, चौथा चरित्र पर टिप्पणी आदि ऐसे कारण थे जिसने सिपाहियों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। क्या कर दिया भाई, आप बार बार चरित्र पर टिप्पणी करेंगे, बार बार किसी को बोलेंगे ब्लैक, काला बोलेंगे, क्योंकि हम काले ही हैं, अंग्रेज गोरे थे, बार बार चरित्र पर टिप्पणी करना, बार बार बोलना, तो दिक्कत होती है भाई। उत्तराखंड का एक गांव था, वहां पर एक बछड़े ने जन्म लिया। क्या लिया, बछड़े को बांध दिया गया रास्ते में। कहां पर, उस गांव के लोग बड़े दुष्ट थे। उस गांव में जो भी जाता वहां से, उस बछड़े के बगल से, हर कोई क्या करता, और भाई मतलब बछड़े को ना कुछ बुरा भला बोलते हुए जाते थे। क्या बोलते हुए जाते थे, और हर कोई हाथ से क्या कुछ ना कुछ उसको परेशान करता था। किसको, बछड़े को।
बछड़ा धीरे धीरे बड़ा हुआ, बैल बना, काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन वो हमेशा किस में रहता था? डिप्रेशन में रहता था। किस में? बताया जाता है कि एक दिन वो बहुत ऊपर चोटी पर गया और वहाँ से उसने क्या कर दी, छलांग लगा दी, यानी उसने सुसाइड किया। क्या पशु सुसाइड करते हैं? क्या पशु सुसाइड करते हैं? लेकिन उस गांव के लिए कहा जाता है कि वहाँ के लोग इतने दुष्ट हैं कि क्या वहाँ के बैल ने भी क्या किया, आत्महत्या की। क्या की? आत्महत्या की, क्योंकि भावनाएं तो सबके अंदर होती हैं। किसी की भावनाओं का बार 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 आहत करोगे, आहत करोगे, आहत करोगे, तो हो सकता है कि आपको आनंद आए। और जो इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें आनंद आता है दूसरे की भावनाओं को आहत करने में, वो मानसिक बीमार होते हैं। दरअसल जिन्हें दूसरे को परेशान करने में मज़ा आता है, उस बीमारी का नाम मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो बताएगा कि इस बीमारी को ये कहते हैं, भाई इसका इलाज ये है। किसी को क्या कर डिग्रेड कर, ह्यूमिलेट कर, तो वो उस गांव में आज भी लोग अपनी बालिकाएं नहीं ब्याहते हैं। कहते हैं जिन्होंने बैल को नहीं छोड़ा वो हमारी बालिका की क्या इज्जत करेंगे। समझ में आया? तो ऐसे रेटिंग्स जो थे, भाई सेना जो होती है उसमें मेन चीज क्या होती है, अनुशासन होता है। क्या होता है? अनुशासन होता है। लेकिन उस अनुशासन को तोड़कर उन्होंने विद्रोह किया INS तलवार नामक जहाज पर। वो क्यों किया? खराब भोजन, दूसरा जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टिप्पणी आदि ऐसे कारण थे जिसने सिपाहियों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। नाविक VC दत्त की गिरफ्तारी, जिसे तलवार, नौसेना का एक जहाज की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार किया गया था, भी विद्रोह का एक कारण बना। अब उनमें भी एक बड़ा ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या कर दिया, हिम्मत की, जहाज पर लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या करो, लिखने की आदत तो है ही हमारी, ऐसा लिखो ना जहां पर ये हो कि देश के लिए भला हो। ये थोड़ा कि हर जगह पे जाकर अपना नाम लिख दिया, पान का पत्ता बना दिया, तीर लगा दिया, इधर से नाम उधर से नाम, किसी सरकारी इमारत पे गुटखा थूक दिया, ये नहीं करना है भाई। ऐसा लिखो जैसा इसने लिखा, VC दत्त ने क्या लिखा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है भाई, विद्रोह का कारण बना। शीघ्र ही इस विरोध ने अपने चपेट में कराची, मद्रास और कलकत्ता को भी ले लिया। विद्रोहियों ने कांग्रेस, लीग, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे ब्रिटिश यूनियन जैक की जगह लगा दिए। यूनियन जैक बोलते हैं ब्रिटेन के झंडे को। कैसा होता है ब्रिटेन का झंडा? तो भाग्यशाली हो अगर आपको ब्रिटेन का झंडा नहीं पता, वरना गुलाम होते तो पता होता, रोज सैल्यूट करना पड़ता आपको उसको, है ना। आप ट्राइकलर फ्लैग को सैल्यूट करते हो। तो ब्रिटेन के झंडे को यूनियन जैक कहा जाता है, अमेरिका के झंडे को स्टार एंड स्ट्रिप्स कहा जाता है। 13 स्ट्रिप्स होती हैं उसमें, 50 स्टार्स होते हैं। 13 स्ट्रिप्स उन 13 राज्यों को डिनोट करते हैं जो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अमेरिका में क्या किए थे, कैप्चर किए थे। और 50 स्टार्स उसके 50 राज्यों को डिनोट करता है। 49th स्टेट अलास्का है, 50th स्टेट उसका कौन सा है, हवाइन आइलैंड है, जो उससे बाहर है मुख्य भूमि से। समझ में आया? ठीक है, तो भाई यूनियन जैक की जगह कांग्रेस के झंडे लगा दिए, लीग के झंडे लगा दिए, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए। कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा किस कलर का होता भाई? लाल कलर का होता। क्यों होता है लाल? सलाम, ठीक है, लाल कलर का क्यों होता है? इसलिए होता है कि मजदूरों की क्रांति हुई थी, कभी खून से लथपथ एक मजदूर मरा हुआ था नीचे, उसकी शर्ट को उठाकर एक डंडे पर लगाकर यूं उठाया गया, वो झंडा बन गया किसका, कम्युनिस्टों का। उसके बाद उस पर हसियार बाली बनाई गई। क्या बनाई गई? हसिया और गेहूं की बाली बनाई गई, वो कम्युनिस्टों का वो निशान होता है। एक दीदी है ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस, उसका निशान पूछा गया एक बार, क्या है, फूल है उसका निशान। क्या है, कौन सा फूल है? तृण मतलब क्या होता है, तिनका, मूल, तृणमूल कांग्रेस, कौन सा फूल है वो? चलो भाई, जैसे कनाडा के झंडे में मैपल लीफ होती है ना, मैपल क्या होता है, एक वृक्ष होता है, उसकी लीफ होती है, होती है, अरे देखा होगा आपने, यहाँ कई लोग पहन के घूमते हैं अपना ट्राइकलर फ्लैग, पहन के घूमे ना घूमे लेकिन मैपल लीफ पहन के घूमते हैं। पंजाब में देखिए आप, यहाँ भी घूमते हैं आपके क्षेत्र में, जोड़ा, घास, फूल, ठीक है।
विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति, विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन एमएस खान के नेतृत्व में किया। एमएस खान का नाम याद करना पड़ेगा आपको, नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति। इस संस्था में बेहतर खाने, श्वेत और भारतीय नाविकों हेतु समान वेतन, राजनीतिक कैदियों की रिहाई आदि मांग सरकार के सामने पेश की गई। नौसैनिक विद्रोह की चरम अवस्था में 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठान और 20,000 नाविकों ने हिस्सा लिया। जबलपुर के सैनिकों ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सरकार ने एडमिरल गोलफ्रेड को, एडमिरल गोलफ्रेड का नाम याद करना पड़ेगा, को इस आदेश से भेजा कि ब्रिटिश फौजों की सारी सेना दमन के लिए लगा दी जाए, भले ही संपूर्ण नौसैनिक शक्ति नष्ट हो जाए। आनंद इसलिए नहीं आ रहा है इन चैप्टर्स में कि जो अपना आंदोलन ही मोबाइल पर करते हैं उन्हें क्या पता आंदोलन क्या होता है, और वो मोबाइल पर अपना आंदोलन करने वाले कौन लोग हैं, वो नई पीढ़ी है, कौन है, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा यार होता क्या होगा, ऐसा विद्रोह कैसा होता होगा। विद्रोह तब होता है जब आप सड़कों में जाते हैं, जब आप किसी का विरोध करते हो। अभी जो विरोध होता है वो किस पर होता है भाई, क्या बोलते हैं, ट्विटर पर करते हैं। सारे विरोध जो हो रहे हैं नौजवानों के, वो ट्विटर पर हो रहे हैं। किस पर हो रहे हैं, करते रहो, हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े, लेकिन इफेक्ट उस चीज़ का पड़ता है जब आप सड़कों पर अपनी मांग रखते हो। क्या करते हो, सड़कों पर अपनी मांग को रखते हो। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो सड़कों पर आना पड़ेगा, क्या होगा। तो ये चीज़ें इसलिए समझ में नहीं आ रही, तो आपके दिमाग में ये आ रहा है ट्विटर पर क्यों नहीं किया इन्होंने, ट्विटर पर करते, ट्विटर नहीं था उस समय। क्या नहीं था, ट्विटर नहीं था, और क्या होता भी, ट्विटर के अलावा किस पर विरोध करते हैं बच्चे, किस पर करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, फेसबुक पर पुराने लोग करते हैं, नए बच्चे ट्विटर पर करते हैं, और किस पर करते हैं, इंस्टाग्राम पर करते हैं। तो जिनके आंदोलन ही इंस्टाग्राम और ट्विटर तक सीमित है उनकी समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर, ठीक है। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सरकार ने एडमिरल गोलफ्रेड को इस आदेश से भेजा कि ब्रिटिश फौजों की सारी सेना दमन के लिए लगा दी जाए, भले ही संपूर्ण नौसैनिक शक्ति नष्ट हो जाए। भले ही संपूर्ण नौसैनिक शक्ति क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। सरकार के दमनात्मक रवैये से चिंतित कांग्रेसी नेता वल्लभ भाई पटेल और लीग के जिन्ना ने नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए दबाव डाला। आपको पता है, अगर जिन्ना ना जाते और ये वल्लभ भाई पटेल ना जाते समझाने नौसैनिकों को, बड़ा बवाल हो गया था भाई। इन पर हवाई हमले की तैयारी थी, इन पर जितने भी ये पानी के जहाज थे इन पर हवाइयों से बम्बार्डमेंट होनी थी, इन जहाजों को वहीं डुबा देना था। किसने, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि सेना का एक ही उसूल होता है, सेना में विद्रोह नहीं होता, और अगर विद्रोह होता है तो बाकी जो बटालियंस होती हैं उनको लगा दिया जाता है, उसको क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स ने भी ये कहा, ब्रिटिश सरकार ने, भले ही हमारी नौसेना खत्म हो जाए लेकिन सारी उसको क्या पावर्स जो भी हो लगा दी जाए कि क्या करने में, इनको ख़त्म करने। समझ में आया, ठीक है। तो आत्मसमर्पण कर दिया भाई पटेल, और किसके कहने पर, जिन्ना के कहने पर। ये दो लोग क्यों भेजे, क्योंकि पटेल की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे जो हिंदू थे, जिन्ना की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे जो मुस्लिम थे। दोनों ने बातों को माना और दोनों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। 25 फरवरी 1946 को पटेल के इस आश्वासन के बाद कि उनका यानी सैनिकों का किसी भी प्रकार दमन नहीं किया जाएगा, विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नौसेना हड़ताल समिति का ऐतिहासिक कथन, हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र के जीवन की एक ऐतिहासिक घटना रही है। पहली बार सेना के जवानों और आम आदमी का खून सड़कों पर एक साथ एक लक्ष्य के लिए बहा। ये लाइनें हैं जो आपको मेंस में क्या करेंगी, नंबर देंगी। पहली बार ऐसा हुआ कि सेना के जवानों और आम आदमी का खून सड़कों पर एक साथ एक लक्ष्य के लिए बहा, वो था नौसैनिक विद्रोह। कौन सा, हाँ जी। उसके बाद अगले चरण में कैबिनेट मिशन योजना 1946, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये बता दूं मैं। जनवरी 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता एटली, क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल यानी कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो डेट याद करनी पड़ेगी, 29 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। एक बार क्वेश्चन बना, यूपी में पूछा गया कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे,
ए वी अलेक्जेंडर थे और सर पैथिक लॉरेंस थे। और जो इनमें अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कौन थे? इनके डेजिग्नेशन भी पूछे गए, कोई बता सकता है मुझे? जैसे ए वी अलेक्जेंडर थे वो नौसैनिक मंत्री, नौसेना मंत्री थे। पैथिक सर स्टफर्ड क्रिप्स क्या थे, इनका डेजिग्नेशन क्या था वैसे? और सर पैथिक लॉरेंस क्या थे? कौन? स्टफर्ड क्रिप्स जो था वो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, और पैथिक लॉरेंस क्या था? भारत सचिव था। कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये अध्यक्ष बना क्योंकि भारत सचिव सबसे ऊपर हो गया। ठीक है जी। कैबिनेट मिशन की स्थापना से पूर्व ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 19 फरवरी 1946 को पैथिक लॉरेंस ने कहा था कि यह न केवल भारत, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के लिए प्रत्युत समूचे संसार की शांति के लिए आवश्यक है, अपितु समूचे संसार की शांति के लिए आवश्यक है कि भारतीय लोकमत के नेताओं के साथ जो बातचीत चल रही है उसकी सफल परिणति हो। किसने कहा था? भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने कहा था। कहां पर कहा था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कहा था, यहाँ की वहां की राज्यसभा में कहा था उसने। ठीक है। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना है, प्रबंध करना है, मैनेजमेंट करना है। कैबिनेट मिशन ने समझौते का अंतिम प्रयास करने के आशय से शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया। तीन दल कौन थे? कांग्रेस, मुस्लिम लीग के तीन तीन सदस्य शामिल हुए। यह सम्मेलन 5 से 11 मई तक चला। कब तक चला? सम्मेलन में सर्वसम्मत समाधान न निकलने पर भी मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसकी प्रमुख बातें क्या थी? सर्वसम्मति तो नहीं बन पाई, लेकिन क्या हुआ? 16 मई 1946 की डेट याद करनी पड़ेगी। एक मैंने कहा 29 मार्च 1946 जब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, 29 मार्च 1946, और दूसरी जब उसने अपने प्रस्तावों की घोषणा की 16 मई 1946। वनडे एग्जाम के लिए डेट याद करनी पड़ेगी। क्या कहा इन्होंने? भारत एक प्रांत होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी राज्य दोनों शामिल होंगे। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा बोलते डिफेंस को, विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और संचार यानी कम्युनिकेशन, संचार साधन केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। किसके अधीन होंगे? केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषयों और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। अब ये ध्यान देना, यहाँ पर घुमाएगा वो आपको। अवशिष्ट शक्तियां वर्तमान में केंद्र के पास हैं, लेकिन इसने कहा था कि अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होंगी? प्रांतों में निहित होंगी। बोलेगा निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन की प्रस्ताव में कौन शामिल नहीं था, और यहाँ पर लिख देगा वो क्या? केंद्र में निहित होगी। तो आपने बोलना ये नहीं था, क्योंकि प्रांतों में निहित थी। यहाँ पर कहाँ पे? ऐसी रियासतें जो विषय तथा शक्तियां संघ को सौंप दें उनके अतिरिक्त अन्य सभी विषय तथा शक्तियां अपने पास सुरक्षित रहेंगी। तीसरा बोला इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, किस अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतया 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की जाएगी। एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की जाएगी। चौथी चीज कही कि प्रांतों की तीन श्रेणियां होंगी, क ख ग। क में होंगे बंबई, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत जो कि ब्रिटिश भारत के प्रांत थे। बी में होंगे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब, और तीसरे में गांव में रखा असम और बंगाल। यहां से क्वेश्चन बन सकता है प्री में। कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों को तीन श्रेणियों में क ख और ग में बांटा गया। क में कौन कौन शामिल थे? एक था बंबई, दूसरा था बिहार, तीसरा था मध्य प्रांत, चौथा था मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। सबसे पहले याद कर लो अपना संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, फिर याद कर लो मध्य प्रांत। ऐसे करके अच्छा याद होता है। संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, ठीक है, फिर याद करो बंबई, फिर याद करो बिहार, फिर याद करो, पहले बंबई याद करो, फिर मद्रास याद करो, और फिर बिहार उड़ीसा याद करो। क्या याद करो? बिहार उड़ीसा।
फिर ख में याद करो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिंध और पंजाब। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और पंजाब। बिना सिंध के हिंद नहीं, जब तक सिंध हिंद में नहीं है तब तक हिंद हिंद नहीं है। और सी में याद करो असम और बंगाल, क्या याद करो। पांचवी बात कही इन्होंने, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया कि इससे सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन जिन्ना था भाई, जिन्ना ने कहा यह तो गड़बड़ कर दी इन्होंने। कैबिनेट प्रस्तावों में प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, ताकि उन्हें मुस्लिम बहुल प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता का उपभोग करने के लिए पाकिस्तान का दायित्व प्राप्त हो, सत्व प्राप्त हो। 26 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए कहा कि सर्वसत्ता प्राप्त पाकिस्तान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। क्या रहेगा? संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस कार्यकारिणी ने मिशन के सरकार राष्ट्रीय सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का समर्थन किया। राष्ट्रीय सरकार के गठन की प्रक्रिया का कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उसने मुस्लिम लीग को असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था। क्या दिया गया था? असंगत। भाई 25% मुस्लिम है तो उसी परसेंटेज में दो ना, आप असंगत प्रतिनिधित्व क्यों दे रहे हो। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन भारत से वापस चला गया। वापस जाने की डेट भी याद करनी पड़ेगी। 29 जून 1900, तो तीन डेट याद हो गई भाई। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन वापस गया, लेकिन इस बीच में एक डेट और है, 16 मई 1946 जब अपने प्रस्तावों की घोषणा की, 16 मई 1946। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। उसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। यह कथन किसका है? आंसर महात्मा गांधी का है। किसके लिए है? कैबिनेट मिशन के संबंध में। किसके संबंध में? संविधान सभा के लिए चुनाव में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के 296 स्थानों में कांग्रेस द्वारा 205 पर जीत से मुस्लिम लीग के नेता बौखला गए। भाई 296 में से 205 बची कितनी? 91, है ना, तो बौखला नहीं था। 22 जुलाई 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना से संबंधित 16 जून के वक्तव्य के अनुरूप दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखा। नए प्रस्तावों के अनुसार अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिनमें से 6 कांग्रेस मनोनीत करेगी और 5 को मुस्लिम लीग तथा अन्य 3 अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होंगे। ये अजीब बात है यार, 14 में से 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग और 3 कौन? अल्पसंख्यकों के प्रति। मुस्लिम लीग को 5 दे रहे हैं, कितना? लगभग बराबर, लगभग, जबकि उनकी संख्या जो है 25% है। कितनी है? मुस्लिम लीग को वायसराय का यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था, अतः वह एक प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्रवाई के लिए तैयार हो गई। अब आपको एक डेट याद करनी है कि 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत कर दी गई। लीग की इस कार्रवाई का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। प्रत्यक्ष कार्रवाई के दौरान कलकत्ता विभत्स हिंसा की क्रीड़ा स्थली बना। हजारों की संख्या में हिंदू लुटे और मारे गए। बदले में बिहार में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। नोआखली के दंगे का एक प्रमुख केंद्र रहा। दंगों के दौरान लगभग 6000 लोग मारे गए, 20000 लोग या तो घायल हुए या फिर उनके साथ बलात्कार हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अनुसार 16 अगस्त भारत के इतिहास में काला दिन है, क्योंकि इसी दिन सामूहिक हिंसा ने कलकत्ता की महानगरी को रक्तपात, हत्या और भय की बाढ़ में डुबा दिया। सैकड़ों जाने गई, सहस्त्रों व्यक्ति घायल हुए, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान नोआखली, बिहार, संयुक्त प्रांत, गुजरात, पंजाब में फिर एक वर्ष से अधिक समय तक दानवता का जो नंगा नृत्य हुआ, वह भारत के इतिहास पर एक ऐसा धब्बा है जिसकी याद करके भारतीय उपमहाद्वीप पर बसने वाले प्रबुद्ध हिंदू, सिख और मुसलमान का सिर शर्म से झुक जाता है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार कांग्रेस द्वारा वायसराय की नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने
कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का गठन करने का निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की। डेट याद करनी पड़ेगी, भारत में पहली इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ? आपने बोलना 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अंतरिम सरकार के सदस्य कौन थे तो ये बता देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो भाई, जवाहरलाल नेहरू जो थे ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली। आसफ अली की वाइफ का नाम ही है अरुणा आसफ अली, अरुणा गांगुली, अरुणा आसफ अली ठीक है। राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खां, नाजिक राम, सैयद अली जहीन और सी एच भाभा। सी एच भाभा उपयुक्त सदस्य औपचारिक रूप से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष वायसराय तथा उपाध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। डेट याद करना भाई, 24 अगस्त 1946, भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार। पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अन्य सदस्यों में 3 गैर मुस्लिम लीग सदस्य थे। लीग अपने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके, इसके लिए द्वार खुला रखा गया। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 सदस्य शामिल हो गए, जिनमें मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। पहले कितनी थी भाई? पहले 13 थी, अब 15 हो गई, क्योंकि क्या हो गया, 3 मूल सदस्य जो थे कांग्रेस के या जो अंतरिम सरकार में थे वो हट गए, लीग के 5 सदस्य शामिल हो गए, तो अब संख्या कितनी होगी? 15 हो गई। वित्त मंत्रालय जैसा विभाग का दायित्व तो मुस्लिम लीग को सौंपा गया, लियाकत अली को सौंपा गया। भाई कहा यार वित्त मंत्री बन जाओ, थोड़ा धैर्य रखो, लियाकत अली खां को सौंपा। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित प्रयास था। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे थे। कौन चला रहे थे? 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय दिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल इलाके पर लागू नहीं होंगे। हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू सहित संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्या थी। कितनी? तो आपको थोड़ा बता दूं कि 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना उसमें जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, क्योंकि अध्यक्ष तो वाइसरॉय था, अध्यक्ष कौन था? ये उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडलीय, तीनों चीजें किसके? विदेशी मामले किसके पास थे? जेल नेहरू के पास थे। राष्ट्रमंडल किसके पास था? जेल नेहरू के पास था। वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? गृह सूचना और प्रसारण विभाग था। पुलिस इनके पास थी, सूचना प्रसारण। जॉन मथाई के पास क्या था? उद्योग तथा आपूर्ति थी। बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा था। पहला जीप घोटाला जो हुआ वो रक्षा में हुआ है ना। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा थी, क्या थी? सी एच भाभा के पास कार्य, खान और बंदरगाह थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। अरुणा आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री थी। अरुणा आसफ अली क्या थी? रेलवे और परिवहन मंत्री थी। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त, मुस्लिम लीग का था ये लियाकत अली खां। आई चुंदरीगार ये वाणिज्य मंत्री था, कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थी इसके पास, आई चुंदरीगर। अब्दुल रब निस्तार के पास संचार था, लीग का था। ये सारे पांचों लास्ट के लीग के हैं, मुस्लिम लीग के। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि और गजानफर अली खां के पास स्वास्थ्य था।
इतने अच्छे अच्छे विभाग दिए, लेकिन फिर भी दिमाग में पाकिस्तान चल रहा था, पाकिस्तान बना आगे चलकर। इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा एटली की घोषणा 1947 क्या बोलते हैं वो, ठीक है।